अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम लॉन की कमीज पर आपको खूबसूरत और आसान तरीके से पाइपिंग लगाना सिखाएंगे। तो ये हमारी कमीज है और इसके साइड चाक पे हम आपको पाइपिंग लगाना सिखाएंगे। ये हमारे पास पाइपिंग है, आप इस तरह की पाइपिंग हो या किसी तरह की भी पाइपिंग हो जिस पे ऐसे ही डिज़ाइन हो तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। ये हम कमीज की सीधी साइड पे बिल्कुल सीधी पाइपिंग रखेंगे। पाइपिंग का जो है वो रुख उल्टा होना चाहिए और इस तरह से आपने बिल्कुल सीधा रखना है। तो जितना आप अंदर से मोड़ सकते हैं, जितना आपने साइड से मोड़ना है उतना ही आप जो है वो उसके ऊपर रख लें पाइपिंग को। यहां से बिल्कुल आप सीधा जो है वो सिलाई लगाते जाएं और उसके लिए आप सिंगल पैर जो है वो इस्तेमाल करें। अगर मशीन का सिंगल पांव इस्तेमाल करेंगे तो उससे आसानी से पाइपिंग लगेगी। अगर आप डबल भी करेंगे तो उससे भी सही लग जाएगी, लेकिन सिंगल से ज्यादा खूबसूरत और सफाई आती है। तो ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, सिंगल जो पैर होता है। तो आप डबल को भी सिंगल बना सकते हैं, तो हम अपनी किसी वीडियो में आपको डबल पैर सिंगल बनाना भी सिखाएंगे। यहाँ से आप इस तरह से कोने से मोड़ लें, सही से आपने मोड़ना है ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो वो सही से मुड़ जाए। आप नीचे कपड़े का भी ध्यान रखें और ऊपर वाली पाइपिंग का भी। सारे जो साइड पे फूल वगैरह हैं उनको मैं हटाती जाऊंगी। ये देखें, हमने सारी पाइपिंग लगा ली है फ्रंट साइड पे और ये एंड पे जहाँ पर हमारी जगह ख़त्म होती है पाइपिंग, वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। बिल्कुल जहाँ पे चाक होते हैं वहाँ तक आपने सही से एंड तक इसको लगा लेना है। ये देखिए, हमने पाइपिंग लगा दी। अब हम इसको यहाँ से कोने से मोड़ने का तरीका आपको बताएंगे। यहाँ से आपने एक साइड पे अंदर और एक साइड पे बाहर करके इस तरह से आपने बिल्कुल कोना बना लेना है। ये इस तरह से आपने इसको मोड़ना है, देखिए। और यहाँ पर आपने तुरपाई करनी है और ये देखें, हमारी पाइपिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लग चुकी है। और अंदर वाली साइड पे अभी हमने तुरपाई करनी है, वो भी हम आपको तुरपाई करने का तरीका भी बताएंगे। तो हमने आयरन की मदद से इसको प्रेस कर लिया है अच्छी तरह से। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए, हमने अंदर वाली साइड पे हम इस तरह से मोड़ते जाएंगे और तुरपाई जो है वो करते जाएंगे इस तरह। देखिए, थोड़ा सा आपने कपड़ा नीचे से लेना है और थोड़ा सा आपने ऊपर से लेना है। कमीज और जो पाइपिंग है वहाँ से आपने, और ऊपर वाली जो पाइपिंग है उसको आप थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएंगे इस तरह से। देखिए पीछे आपने जो कोना है वो देख लें किस तरह से कितना खूबसूरत जो है वो लग रहा है। कोशिश करें कि जो कमीज का कपड़ा है वो थोड़ा यूज हो ताकि नीचे से पाइपिंग, ये जो तुरपाई है वो नजर ना आए। तो ये हमारी खूबसूरत जो है वो लॉन की कमीज पर हमारी पाइपिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इस तरह से पाइपिंग यूज कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।